हेलो एवरीवन आई एम आकाश गोर वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर का नया टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत सारी कैनुला डिस्कस करूंगा सारी कैनुला येलो कैनुला, व्हाइट कैनुला ब्लू कैनुला ग्रीन कैनुला क्या यूज होता है कितना गोस होता है कितनी लंबाई होती है इनसे एक क्वेश्चन आपको पक्का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है इनका गोस कितना है इसके अंदर कितना छेद होता है पोर कितना होता है कितनी लंबाई होती है कब कब कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कितना ब्लड फ्लो हो सकता है कितना फ्लूड फ्लो को सारी चीजें डिस्कस करूंगा सबसे पहले जो हमारी आती है कैनुला वो होती है पर्पल कैनुला क्या होती है पर्पल कैनुला देखो पर्पल केनुला के अंदर जो गोज गोज यानी कि जो उसके अंदर का जो छेद होता है बोर होता है वो कितना होता है 26 गोज का होता है वो 26 सिक्स गोज यूनिट भी गोज दी है गोज उसकी यूनिट होती है एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 पॉइंट सिक्स जो उसका एक्सटर्नल बाहरी आवरण होता है वो होता है 0.6 पॉइंट mm का लेंथ जो पर्पल कैनुला है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 19 mm याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं पूछे जाते हैं ठीक है फ्लो रेट बहने की दर फ्लो रेट का क्या मतलब होता है यानी कि उसमें से एक मिनट के अंदर फुल प्रेशर से यदि हम लोग निकालेंगे फ्लूइड को तो कितना निकलेगा 15 ml पर मिनट एक मिनट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 15 ml तक निकाल सकते हो इस तरह की आपकी जो कैनुला होती है वो आती है जो कि हाथों में यहां पे फिट होती है ठीक है पंद्रह एम पर मिनट के अकॉर्डिंग ये चलता है पंद्रह एम एल एक मिनट के अंदर पंद्रह एम तक ये फ्लूड फ्लो कर सकता है अब हम लोग बात करते हैं इसके इस्तेमाल की ठीक है जो इसका यूज़ होता है इसका यूज़ किस किस न्योनेंट्स नवजात शिशु के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है चिल्ड्रन्स बच्चों के अंदर एडल्ट एल्डर एज जो बड़े एज के लोग बुजुर्ग लोग होते हैं उसके अंदर हम इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं ठीक है थीके? याद रखना इसका गोज 26 गोज होता है एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 पॉइंट सिक्स लेंथ इसकी जो लंबाई होती है वो होती है उन्नीस एम एम फ्लो रेट होती है 15 एम एल पर मिनट के अकॉर्डिंग ठीक है इस तरह की आपकी आती है पर्पल कलर की आपको दिखाई देती है जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीन ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं न्यूनेट्स के यूज करेंगे चिल्ड्रंस बच्चों में एल्डर एडल्ट के अंदर यूज करते हैं ठीक है क्लियर है आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट जो होती है हमारी कैनोला वो येलो कलर कैनुला पीले कलर की कैनुला येलो कलर की जो कैनुला होती है इसका जो गोज होता है अंदर का जो बोर होता है छेद होता है वो था है चौबीस गोज का पुरानी वाली का था छब्बीस इसका थोड़ा सा बड़ा होता है चौबीस गोज होता है एक्सटर्नल जो इसका डायमीटर होता है वो होता है जीरो पॉइंट सेवन एम एम लेंथ इसकी लंबाई कितनी होती है चौदह एम एम चौदह एम एम तक इसकी लंबाई होती है एम एम ये निडिल वाली लंबाई जो ये है ना सॉरी बेक हो गया ये जो यहाँ से पूरी लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल इसकी जो निडिल की लंबाई होती है वो उन्नीस एम एम फ्लोरेट इसमें से 20 एम तक फ्लूड आप एक मिनट के अंदर निकाल सकते हो जबकि पहले देखा था 15 एम पर मिनट अब जो ये पीले कलर के जो कैनुला होती है इस पीले कलर के कैनुला में से आप बीस एम पर मिनट एक मिनट के अंदर आप 20 एम के समथिंग फ्लूड निकाल सकते हो इस्तेमाल सेम है न्यून एंड बच्चों के अंदर यूज होती है चिल्ड्रंस के अंदर यूज होती है एल्डर एडल्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यूज की जाती है ठीक है नेक्स्ट जो हमारी आती है वो होती है ब्लू कलर कैनुला ब्लू कलर की कैनोला कब कब यूज होती है देखो इसका जो गोज होता है पहले गोज होता है इसका बाईस गोज ठीक है ट्वेंटी टू गोज होता है एक्सटर्नल जो इसका डायमीटर होता है बाहरी जो आवरण इसका बताया गया है वो होता है जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट के समथिंग इसका जो एक्सटर्नल बोर होता एक्सटर्नल डायमीटर होता है इसकी लेंथ बताई गई है इसकी लेंथ कितनी होती है इसकी जो लेंथ होती है पच्चीस एम एम ट्वेंटी के समथिंग जो है इसकी लेंथ बताई गई है फ्लोरेट यानी कि इसमें से कितना बह सकता है मिनट आप देखो पहले पहले हमने डिस्कस करा था पंद्रह एम एल बहता है फिर बीस एम एल फिर तीस एम एल ये सब इसका बोर थोड़ा बड़ा होता है इसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लूड निकल सकता है आसानी से ठीक है तो इसका इस्तेमाल इन्फ्यूजन वगैरह देते तब भी यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि हमको ब्लड को ट्रांसफर करना है पेशेंट में तब इस कैनोला का यूज किया जाता है एल्डर एडल्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉमनली यूज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फ्यूजन में इसको यूज किया जाता है तो गोज याद रखना जो इसका जो इसका गोज होता है वो होता है बाईस गोज एक्सटर्नल डायमीटर होता है जीरो पॉइंट नाइन एम एम लेंथ इसकी लंबाई होती है पच्चीस एम एम फ्लो रेट जो होती है तीस एम एम पर मिनट क्लियर है ब्लू कलर की गनोलो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है आप लोग देख सकते हो इसका भी जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट जो कैनोला आती है हमारी पिंक कलर केनोला पिंक कलर की कैनोला पिंक कलर की कैनोला क्या होती है इसका जो गोज होता है वो होता है बीस गोज जबकि पहले बाईस था अब ये बीज है बीज गोज की होती है एक्सटर्नल जो डायमीटर होता है इसका 1.1 पॉइंट mm होता है लंबाई इसकी 32 एम mm होती है रेट बहने की दर इसकी होती है पचपन एम एम पर मिनट पर मिनट देखो बहने की जो दर है ना कैनुला जो कंपनी टू कंपनी वे, वेरियर करती है ठीक है जो अलग अलग कंपनी की होती है उसमें अलग अलग उसके पीछे आप कैनुला के पीछे कभी फाड़ने से पहले उसको पढ़ना उसके पीछे लिखा रहता फ्लो रेट कितनी है कितना गोज है कितना एक्सटर्नल डायमीटर है उसकी जो ट्यूब की लेंथ जो निडिल की लेंथ है वो कितनी है ये सारी चीजें उसमें लिखी आती है हर एक कंपनी की निडिल में आती है ठीक है एंड में आती है यूज पिंक कलर के uh, कहां पे यूज़ करेंगे इन्फ्यूज़न वगैरह देना है इन्फ्यूजन में यूज करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यदि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कॉमनली करते बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज याद रखना इसका गोज बीस इस गोज होता है एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 पॉइंट वन लेंथ जो होती है इसकी ब, आ, ब, थर्टी टू एम एम रेट होती है पचपन एम एल पर मिनट एक मिनट के अंदर पचपन एम एल तक बाहर फ्लूड निकल सकता है नेक्स्ट जो कैनोला आती है ग्रीन कलर की है। ये ट्राईवे में बताइए मैंने बाकी नॉर्मल भी आती है ठीक है ये जो ग्रीन कलर की के जो कैनुला होती है हरे कलर की कैनुला इसके जो गोज होता है वो अट्ठारह गोज की होती है एक्सटर्नल जो इसका डायमीटर है 1.3 पॉइंट mm थ्री के समथिंग जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है यानी कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है 45 एमएम mm तक जो निडिल की लंबाई है वो सॉरी बेक हो गया जो निडिल की लंबाई है जो पैंतालीस की की एमएम mm. इसका जो फ्लैर फ्लो रेट होता है 150 मिनिट. एक सौ पर मिनट एक मिनट के अंदर 150 फिफ्टी तक आप इसके अंदर ब्लड या फिर जो भी आपको यूज करना है फ्लूड वगैरह वो यूज कर सकते हो रैपिड फ्लूड जल्दी फ्लूड देना यदि कोई एक्सीडेंटल केसेस आ गया सडनली बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्लड कम हो गया तो आप उसको जल्दी आपको फ्लूड देना पड़ेगा तो जल्दी फ्लूड देने के लिए आप जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए इस वाली वाइट कलर के कैनोला का इस्तेमाल कर सकते हो वाइट कैनल का कलर के कैनोला का फ्लोरेड बहुत ज्यादा होता है ठीक है एक्सटर्नल डायमीटर 1.5 डायमी गोज है जी गोज है लेंथ जो पैंतालीस एम एम है में में, और जो इसकी फ्लो रेट होती है 150 सौ पर मिनट एक मिनट के अंदर 150 सौ तक इसके अंदर फ्लो निकले ठीक है यूज याद रखना रैपिड ब्लड रैपिड फ्लो मेजर सर्जरी यदि कोई बड़ी सर्जरी वगैरह हुई है तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि जल्दी ब्लड को हमको ट्रांसफर करना होता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जल्दी से एक स्क्रीन ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट जो कैनुला आती है हमारी ग्रे कलर की कैनुला कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है इसका जो गोज होता है सोलह गोज की होती है ये और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है वन पॉइंट एट एम एम तक इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है लेंथ यानी कि इसकी लंबाई पैतालीस एम एम होती है फ्लोरिड बहने की दर होती है इसकी 220 सौ बीस एम एल पर मिनट यानी कि एक मिनट के अंदर ये 220 सौ बीस एम एल तक ब्लड को या फिर फ्लूड को जो भी है पास आउट कर सकती है इसका भी इस्तेमाल रैपिड फ्लो जल्दी से अगर आपको फ्लो करवाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है यदि कोई मेजर सर्जरी हुई है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जल्दी से ब्लड को ट्रांसफर करना है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ग्रे कलर के कैनोला का फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट जो कैनोला आती है हमारी वो होती है ऑरेंज कलर कैनोला ये ऑरेंज कलर की के कैनोला आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है इसका जो गोज होता है सबसे ज्यादा होता है चौदह गोज की होती है जो एक्सटर्नल जो बाहरी डायमीटर है टू पॉइंट वन एम एम का होता है लेंथ इसकी जो लंबाई होती है निडिल की वो होती है पैतालीस एमएम mm की और फ्लोर एट इसके जो बहने की जो दर है वो होती है गाइज 270 सौ सत्तर एम एल पर मिनट ये सबसे ज़्यादा फ्लूड को जल्दी ट्रांसफर करने में मदद करती है इसका यूज़ होता है रैपिड फ्लूड मेजर सर्जरी रैपिड, मैंने कि जल्दी आपको कोई भी चीज़ देना होती है तो तुरंत आपको स्पीड से देना पड़ेगी तो स्पीड से देने के लिए हम लोग 170 सेवेंटी एम एम पर मिनट फ्लो रेट होती है इसकी और इसका गोज जो होता है वो होता है चौदह एक्सटर्नल डायमीटर 2.1 पॉइंट वन लेंथ फोर्टी फाइव एम एम फ्लोरेट टू हंड्रेड सेवेंटी एम एल पर मिनट के अकॉर्डिंग इस तरह की आपको दिखाई देती है अब आपको इतना चीजें समझ में आई होगी नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो देख लो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग यर इंडियन मेडिकल लेक्चर